ईश्वर होते हैं ना जो ऊपर रहते हैं, है? और एक भगवान और होता है, बताएगा कौन सा होता है वो दूसरा भगवान? मम्मी। हाँ जी, और एक और है, बताओ कौन है? है? हाँ, और कौन है? आपकी किताबें, आपकी किताब कौन है? भगवान। वो इस पृथ्वी पर दूसरा भगवान है। कैसे है भगवान? जैसे हम पूजा करते हैं तो भगवान बहुत अच्छा फल देता है ना, ऐसे ही अगर हम पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तो ये वाला जो भगवान है हमें बहुत ऊंचा बना देता है, बहुत बड़े पद मिल जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब मिल जाएगी, है ना। तो ये वाला जो भगवान है, ये पृथ्वी पर आज के युग में हमारे भारत देश में, जो हमारा भारत इंडिया है, इसमें जो दूसरा भगवान है वो हमारी किताबें हैं। समझ गए? अगर हम अपनी किताबों को मन लगा के पढ़ते हैं, मन लगा के याद करते हैं, टाइम पे सब अपना होमवर्क करके लाते हैं, टाइम पे अपने टीचर्स को खुश करते हैं ना, कि जब हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो टीचर्स खुश हो जाती है ना, तो आपको क्या करना है? इस वाले भगवान को खुश करना है। इस भगवान को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक करो। तो इस वाले भगवान को हम ध्यान से कैसे करते हैं? किताबों में मन लगाकर। जब हम पढ़ाई करते हैं अपना मन एकाग्र करें। कैसे करेंगे? इधर उधर की बातों से हटकर, किसी को छेड़ना नहीं है, किसी की शिकायत नहीं करनी है, किसी को टच नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, सिर्फ टीचर को देखना है वो क्या पढ़ा रही है।